दुजना बिहे गरे आफै पनि गर्ने हो क्या What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Misavi TV React and if you're new to the channel, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. So guys, here we are with a brand new reaction video, live chai hai na, yo chai chatta laera chai, vlog, hai ta. So let's watch and let's react, hamro aayush ra ali chai ko amazing vlog, jun chai, kya bhancha office ko नजर उतारिएछ बाई द वे गाइजहरू होइन सबैले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभएको भएन होइन हाफ पेमेन्ट भन्ने आइरहेको छ होइन सबैलाई चट्ट लाभ दिस विक चट्ट ब्रान्ड आउँछ गाइजहरू होइन पहिलाम पाल गर्नुपर्छ टिकटक यताउतामा सबैमा है कुरिरहेको छु म नि कतिखेर आउँछ भनेर सो अहिलेलाई चाहिँ चट्ट भ्लग रिया गरौँ लेट्स वाच एन्ड लेट्स ह्याभ फन एन्ड लेट्स इन्जोय है त लेट्स वाच अफिसमा पनि आयो अस्सलाम वेलकम टू अरे भाई वो मतलब कुछ किसी तबीयत है तो आज हमारा काम ही है वो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे ऑफिस की हमें चीजें वगैरह देखनी है तो आज उधर भी जाना है क्योंकि कल हमारी डिस्कशन हुई थी लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं था सो यस वो भी करना है आज बहुत सारी चीजें और फिर हमें रात में प्रभा दीदी ने जो है इनवाइट किया प्रभा दीदी जा रही है परसों कल हाँ कल सॉरी अरे इधर किसके साथ टूट गई कल कल जा रही है प्रभा दीदी नेपाल से अपनी मतलब जहाँ वो रहती है तो इसलिए उन्होंने आज जो है हमारे साथ एक डिनर प्लान किया तो हमने रात में डिनर पे भी जाने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रात में जो ना तैयार होने का भी मौका नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी हाँ क्योंकि अभी से ही इसलिए मैंने जो है ना रात में क्यों तैयार हो यार एक बार दिन में तैयार हो इंसान एक दिन के लिए वही तैयार में बैठो ना अब इसको कौन बताए कि लड़कियां क्या करती है या क्या कैसी होती है यार हम तो क्या मतलब एक ही वही आज जैकेट चेंज किया आज मेरे कहने पे आई टोल्ड हिम यस्टरडे अगर तुम ये पहन कर आए ना तो प्लीज मुझे घर से मत उठाना ठीक है मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी नहीं पिछले दो दिन से तो मेरे व्लॉग में ये ब्राउन ब्राउन ही दिख रहे हो तो आज आज फटाफट इसे फिर चेंज किया कलर है क्या हो गया रिमोट यार ये सही है ना हाँ तो बैक टू द पॉइंट मैंने इसको बोला तो इसे चेंज कर लिया तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए अल्लाह करे अगर हो गया तो अच्छी बात है वो आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा नहीं हुआ तो फिर कुछ और देखने को मिलेगा कोई बात नहीं चलता रहेगा एनीवेज और आज हम वहां भी जाएंगे वो उनसे बात करने के लिए वो जो हम लोग देख रहे थे कि ऑफिस की वॉल वो कौन करेंगे हमने उनसे बात भी नहीं की जान क्या वॉल वॉल हमने जो बोला था यार ऑफिस की वॉल करनी है ना हमने ठीक वो तो मैंने बात किया वो उधर से डिसीजन आएगी सब तुमने की बात हाँ तो कल किया था ना मीटिंग में उधर ये पागल कॉल की बात कर रही मैं कल तो हम लोग काउच देखने के लिए गए थे पागल 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 कुछ पता yes. भी होती है ये तो पागल पागल जब भी यार कुछ समझ समझ आता पता नहीं है जब भी यार क्यों यार क्यों इतना चाय सुबह सुबह यार यार चुपचाप मतलब मुंह में कुछ खाओ और बैठो दिन भर बोले ही नहीं कुछ भी गुटखा थमाने लगो आपसे ये क्या बात है बबल भी तो खा सकती हूँ तो बबल खा के भी तो बात कर सकते हो गुटखा खाओ सबसे बेस्ट मतलब बात ही नहीं कर पाओगी मतलब एक ब्रेड हाथ में लेके रहो बस ब्रेड खाती रहो दिन भर पांडा की तरह जब पांडा की तरह मेरी बस सामने आवाज निकलती तुम्हारी बस और तो नहीं निकलती इतना आगे क्यों की हुई है ये क्या ये बहुत आगे की हुई है ये क्या ये सीट अब आईटी इतनी बड़ी है तो अब क्या करूँ यार ऐसे बाहर निकल के चला लो गाड़ी अब ठीक है ना इतना आगे की हुई थी ऐसे नहीं तो फिर बाहर निकल के गाड़ी चला लो स्टेयरिंग भी बाहर ही लेना और आज आई थिंक मामा लोग भी आ रहे आज मामा लोग भी आ रहे वाओ कब तक रात पे दो तीन बजे
तो तेज तो दोपहर में आप दो घंटे में पहुंच जाएंगे। इट इज हाउ इट इज। ओके चलो सही है गाइस। सुबह जब मैं 8 बजे निकला था तब तो तुम मतलब पता नहीं फोन भी नहीं उठा रही थी भाई। 8 बजे कौन उठता है? हम उठते हैं 8 बजे। मेरी मैं 8 बजे तो सोई थी। आज मैंने मेरी शायरी नहीं सुनी, मैं तुम्हारे लिए शायरी की थी। ओए सुना था मैंने। एक कदम तुम रहोश, एक कदम मेरे होश। दिस इज अमृत चिंटी को बस। ठीक थी प्रोनंसिएशन? ठीक थी। दम्मी थी, दम्मी। इतनी कुछ खास नहीं थी ना? सच्ची? हाँ। ट्राई की? मैंने तो सिखाया हूँ। ओरे मैंने डेडिकेट किया आपको। आपका कमेंट भी नहीं आया। एक तो कमेंट कर देते, ओ माय गॉड सो क्यूट, माय बेबी आई लव यू सो मच, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू हैव किड्स विद यू, ऐसे करे कुछ तो यार। कुछ क्या तो यार? भाई क्या कर रहे हैं यार? ओके लेट्स गो। ओके गाइस तो इधर से फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं एक चीज देखने के लिए। वो अभी तो आप लोगों को नहीं बता सकते बट इट इज रिलेटेड टू आवर सरप्राइज थिंगी। और उसके बाद प्रभा दीदी से भी बात हुई है, मामा लोग भी आ गए, मामा की भी फ्लाइट मतलब अभी 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 लैंड में, तो सबको बता दिए। तो प्रभा कॉल आ गई यार, उठानी पड़ेगी। हेलो हेलो दाई। ओके गाइज तो हम लोग इधर आ गए, अब इधर से काम खत्म करके आई विल अपडेट यू गाइज। अभी आई थिंक 10-15 मिनट में हम लोग इधर से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद शायद ऑफिस जाएंगे क्योंकि वो लोग बुला रहे हैं हमें। आई हैव नो आइडिया क्यों बुला रहे हैं। साइड में खड़े में पी 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 गाइज सो आई एम हेयर। आई कैन नॉट टेल यू ऑल कि मैं कहाँ पर हूँ बट आयुष अंदर जो है इस तरफ पेमेंट कर रहा है, सही है कुछ है सही है। तो उसकी मैंने क्लिप लिया, वो आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगी। देखने में तो ये कुछ गोदाम टाइप ही लग रहा है, तो अभी बता नहीं सकती क्या है, लेकिन ओके वी आर सो हैप्पी। अल्लाह करे अब गोदाम होगी। आमीन 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 या रब। सो यार गाड़ी मेरी इधर बाहर ही खड़ी है, आप लोग देख सकते हो, ये गाड़ी ही खड़ी है। बस आयुष यहाँ से आएगा, उसके बाद हम जाएंगे। आई थिंक इसके बाद हम लोग ऑफिस जाएंगे। आई थिंक मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ डिनर में, तैयार नहीं हूँ गाइज। ओ माय गॉड मैं लड़की होने पे धब्बा हूँ लिटरली। ओ माय गॉड अभी तक तो तैयार नहीं हुई, 10 दिन हो गए मैं ऐसी ऐसी ये इस तरीके से घूम रही हूँ यार। कितना दिल चाह रहा है मेरा मेकअप करने का, ये करने का, वो करने का, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कितना बड़ा बड़ा समस्या है ये, तो बहुत समस्या है यार ये। जैकेट ऊपर ये क्या बोलते कुर्ती, आई कैन नॉट फिगर आउट ये क्या हुआ है मुझे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी स्किन ब्रेकआउट करी थी, आप कैसी है? सो इसका हाल कुछ इस तरीके से है, इस तरफ से ऐसा हुआ हुआ है और इधर से कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है। सो इट्स फिक्स, आई एम फिक्सिंग इट। क्यों हाथ लगाया, हाथ गंदे हो रहे हैं अभी। आपने हाथ लेना होना है। ओह माय गॉड इधर से आएगा आयुष, तैयार भी करूंगी बिकॉज हम वहीं से शायद डिनर के लिए जाएंगे। सो या इधर आयुष जो है बिल्कुल ही तंग हो रहा है, ट्रैफिक देख सकते हैं आप लोग। मत तंग हो मेरे बूढ़ा, कितने क्यूट हो यार आप, ये बहुत मोटा हो गया पता है आपका माशाल्लाह। आई लाइक इट। तंग हुआ भाई यार ड्राइविंग करते हुए जो है ना, मतलब बहुत वो हो जाता है, उबता जाता है। अब देखो ये क्या है यार, शाम में बेचारे स्कूल बच्चे। नाइस। सो गाइस हमारी लिफ्ट आज नहीं चल रही है, हम सीढ़ियों से जाएंगे, मेरी हालत ही खराब हो जाएगी मुझे लग रहा है। ऊपर वाली तो शायद चल रही है आयुष, सब बंद बन रही है। देरे बाद ही रह जाए। सेकंड वन, दिस इज सेकंड राइट? थर्ड, ओह लिफ्ट से कुछ तरीके से बना रहे हैं। ओह
ये वाला कौन सा अब फोर्थ तो बात ही इतना इतना तगेला है ला देवर वर्कआउट वर्कआउट नाइस ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए कंटेंट नहीं रुकना चाहिए सही है ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए आज मैंने ओम कर के दाई का भी मैसेज देखा था कि ये हटवाओ ओ वाओ नाइस अभी देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है दूर से ऐसा लग रहा है किनभने यो अफिसमा पुरै यिनीहरूले अब पछि के हुन्छ यो मिटिङ रुम होला यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबै फोटोहरू आएपछि फेरि त्यहाँ फोटो सुट पनि हुन्छ होला अब यहीँ सो इट्स जस्ट एभ्रिथिङ इट्स भेरी गुड मुझे स्मूथली बंद हो रहा है ना गोदाम हमारा सामान इधर की वाली लाइट नहीं जल रही एक इधर से जल रही है जल गई सके किचन भी रेडी ऑलमोस्ट ये नहीं लगा है ऑलमोस्ट ओके तो उधर उन्होंने प्लगिंग कर दी उसके लिए फिल्टर के लिए दैट इज रियली नाइस देखो गाइस इस तरीके से कर दिया उन्होंने आयुष का होगा नाइस लाइक ऑफिस एक प्लग है सिर्फ इधर दोनों है खतरा है इधर हाँ इधर भी ना प्लगिंग सही है गुड वेल एंड गुड क्लीनिंग हो रही है क्योंकि फिर वो दोनों दीवारों का काम स्टार्ट हो जाएगा और चेयर्स और एक सोफा टाइम भइसक्यो हैन मेन चाहिँ लो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो लाग्ने भने अब के मेरो पनि यस्तै छ बाकी पनि फ्रुटे नि तल फ्रुटे नि बीचमा चाहिँ हो न्यून कलरको रियली लेडीजहरुको म्याच लाइट्स तो पूरी खोली इधर थोड़ी सी लाइट कम है लेकिन वो हम लगा रहे हैं तो बॉस को ऑफिस में है लाइट नहीं हुआ है ना बॉस का ऑफिस किनारे बॉस सर को बॉस को ये बॉस है अपन से नहीं रहता हां है ये मेरा है किस वाइस वर्स को मेरे में दे आर जस्ट ओपनिंग ऑफिस छोटा ब्रांड आई मीन बाबा बाबा ठीक है ये भी लगवाया मतलब इसको भी ठीक करवाया ये स्टूडियो में ज्यादा प्लगिंग की जरूरत होती है ना स्टूडियो से वो लगभग दे वो ये बेचारे सुबह से कुछ भी नहीं खाया था दीदी मैंने बोला था चाउमीन अंडा चौना बनाया लेकिन सुबह नहीं तो थे कि नहीं ठीक है अभी ठीक है भी जा रहे ना दीदी ये तो दीदी देखो ना हमारी ये सारी पैसे हैं ठीक हो ये एडिटर के लिए और इधर जो वो करेंगे
क्या कर रहे दीदी नजर नोट तो बहुत ज्यादा थे अलग अलग रूम में डालो ना दीदी मजाक दीदी कैसी है बड़ी टेबल अच्छे ना प्लस दीदी इतना अच्छा नहीं था मतलब दीदी जब जब मतलब दीदी चली गई थी ना फिर अब फर्स्ट टाइम देख लिया बनने के बाद मतलब हवा का रुख बहुत अच्छा है ना दीदी अभी ठुलो रहेछ फेरि म त अलिकति ठिकैको होला भनेको त्यो त प्रोफेसनल पुरै अब यहाँ त कम्ती हो नि दस बाह्र जना मान्छे सो गाइस ये फाइनली हट रहा है ठीक है जो जो आज मुझे व्लॉग में बोल रहे थे कि लीजिए ये हटवाओ सबसे पहले देख लो भाई हट गया सब हट गया अब हैप्पी होगा ओके गाइस तो ये चल गई यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये चल गई बनने वाली वहाँ दीदी को ग्रूम अप करना है पूरा ठीक है ठीक है दीदी का हमारे साथ ही ना किस शादी वाले को दीदी को ग्रूम अप करेंगे देखते हैं मेरे इसमें क्या है क्योंकि मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ नेक्स्ट क्या चीज होगा ए तुम्हें ब्लॉग करना पड़ेगा ठीक है भागना मत कहीं पे वो देखो ये ठीक से नंबर भी वो नहीं हो रही नंबर भी वो नहीं हो रही है ना फाइव हो गई मजा कर ओके गाइस तो अब हम जो है दीदी का मेकअप करेंगे तो ये रहा मेरा झोला अब इसमें से देखते हैं कि हमें क्या क्या निकलता है क्या क्या मिलता है सो जो जो मिलेगा अब उसके हिसाब से हम करेंगे मेकअप की बेइज्जती मैंने की सो मेरे पास ये वाला फाउंडेशन है दीदी फाउंडेशन तो मिल गया ठीक है उसके बाद प्राइमर देखा कितनी कितनी चीजें मिल गई है यार मेरे 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 झोले में आपको सब मिलेगा एवरीथिंग ब्लश ये वो दीदी इतना सानो लग गए ना हटेगा लेंसेस तो नहीं लगाओगे ना दीदी आप नहीं तो नहीं लगाती ना लेंसेस नहीं मेरे तो लगा भी नहीं सकती दीदी आप ओए मैंने एउटा तभी मैं इससे दीदी का मेकअप करने लगी हूं और जब पूरा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी ओके आर यू रेडी दीदी कर लो यार कर लो तुम दे दो मुझको कॉपीराइट इन आंखों की मस्ती तब मेकअप कर दिया दीदी कुछ इस तरीके से कि ओह माय गॉड थैंक यू मेकअप आर्टिस्ट नो प्रॉब्लम टुडे नो प्रॉब्लम इट सूट्स यू दीदी आप ये लिप कॉम्बो लगा करो इट सूट्स यू लिटरली सूट्स यू अ लॉट आयुष सुनो ना त्यो मैले अस्ति राख्न दिएको पैसा थियो नि अलि जसलाई दिदेऊ ल आज मेकअप गरेको सब मैं यही समेटती हूँ मुझे बस लिपस्टिक की लगानी है मैं ऐसे जाऊंगी आज मैं तैयार ही नहीं हुई यार बस बाल ठीक कर थोड़ा सा टिंट खत्म इसको ये मैं वॉश आउट कर ओके गाइस तो ये थी वाली कुर्ती जो आज मैंने पहनी हुई थी सो ये कुछ इस तरीके की लग रही है दीदी बोल रही है कि तुम इसी जो है ना मतलब वो
क्या बोलते हैं फिटिंग की पहना करो, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती कि बहुत फिटेड है ये. तो इसी के ऊपर मैंने जो है इसीलिए वो लगाई हुई थी, क्या बोलते हैं जैकेट लगाई हुई थी. तो हम लोग रेडी है. दीदी आपके आपके कपड़े आ रहे हैं ना? सिर्फ दीदी के कपड़े आ रहे हैं, बस दीदी कपड़े पहनेंगी एंड देन हम लोग जाएंगे. मैंने कुछ इस तरीके का कर लिया मेकअप, ठीक है. ये देखो मतलब थोड़ा सा जो है टिंट लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया और आईलाइनर लगा लिया. बिना मस्कारे के चले हीरो की तो ना बैठा हुआ यार. सो गाइस हम लेट हैं, 7:15 हो गए. सो लेट्स गो. मुझे तो एकदम भूख लग रही है मस्त. सॉरी सोके दीदी ला जाओ. स्टार्ट हो गए. ओह आर यू ओके? व्हाई इज नॉट ओके? हिजो तिमीलाई हामीले 1 आवर वेट गरेको. यस व्हाट इम दैट इज नॉट ओके. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. दीदी व्हाट्स रॉन्ग विद योर इंग्लिश? अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया का इंग्लिश होनी भाई को यार बवाल वाला थाई छैन. ओके गाइस सो लेट्स गो. मैं सुजनी दीदी और आयुष ऑन द वे हो गए. लेकिन आयुष पहले हमें छोड़ेगा, फिर घर वालों को लेके शायद आएगा ना, है ना? इस तरीके से करोगे ना आप? हाँ तो लाइक आयुष के दो चक्कर लग जाएंगे. सो इट्स ओके. यहाँ से तो करीब ही है शायद, और वहाँ से तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना रेस्टोरेंट, वो जगह तो करीब ही है. तो हम लोग ढूंढ रहे हैं दीदी का विला जो हमें नहीं मिल रहा है. दीदी बाहर खड़ी हुई क्या? ये सामने वाला होगा मुझे लगता है. आ गई प्रभा दीदी. हेलो. ओह शी इज लुकिंग सो प्रिटी. आई एम वेयरिंग एवरीथिंग. या ओह वाओ केन पहना ला दीदी ने. माय गॉड शी इज लुकिंग सो लाइट इज प्रिटी. साइन इज साइन देख. फ्लैग सूट यू दीदी बहुत प्यारी लग रही है. माशाल्लाह आज प्रभा दीदी ठाक के पेरेंट्स से देखिना सब लेडीज और बीच में और भाई अपना भाई देखे ऐसा ब्यू ए हैंडसम भाई ना. कॉलेज गर्ल. ओ कॉलेज गर्ल तो इतनी ब्लैक सूट्स यू किन्नू चारा उधर केरे को दिखा रहा हूँ. सो जिलो बाय मने आई ना बोलूँ मलाई नॉट जी क्यों कि नाम से गोरी गोरी बिस्तर की ओ मरे एंड मस्त खाना जाने का है. ठीक है कुछ टाइम स्पेंड करेंगे. ओके सो गाइस हम लोग इधर आ गए हैं और दीदी कितनी प्यारी लग रही है. मैं फर्स्ट टाइम दीदी को जाना मतलब ऐसे आउटफिट में देख रही हूँ. मुझे दीदी पे दिल आ गया. दीदी मैं लड़का आती ताज प्रपोज. ओह माय गॉड जैसे बिराजू बोलते ये मेरी बीवी है. ये मेरा जरूरत ये क्या है दीदी? ये क्या है? ओके केक ना दिखाना. एक ऊपर ऊपर ये हमारी है. दीदी हमें दिखा भी रही कि क्या है. चलो अभी तो बैठ जाते जब तक सब आएंगे. देखा मैंने कहा था ना जब आप बैठोगे तो ठंड लगेगी यहाँ पे. दीदी को आज तो वही हुई बिंदी है ना जो कालो बिंदी न पाया. दीदी आपका मंगलसूत्र दिखा. Wow, it's from Ken, right? Yeah, Ken. बहुत प्यारा लग रहा है. दीदी आपकी भी एंगेजमेंट रिंग और मेरी एंगेजमेंट रिंग कितनी सेम सिमिलर है ना देखो. अरे लेडीज और को दीदी आपकी तो वेडिंग रिंग होगी. हां वेडिंग. ये एंगेजमेंट नहीं फिर ये आई मीन दैट्स द बैंड. अच्छा या या दे गिव दिस काइंड ऑफ बैंड. हमारे मामा भी आ गए. और मामा कैसा रहा सिंगापुर का टूर? किधर दीदी? कोलकाता की एडमी मामा उसके बाद दीदी जाएंगे और फिर पता नहीं कब आएंगे. फोन में बात करेंगे. शादी में आएंगे. शादी में आएंगे. फिर बच्चे के पास में आएंगे.
फिर उसके बाद बच्ची के खेरि अर्को के मा आउने नामकरण में आएंगे मतलब आग बागे बेना जो तुम नेपाल बस जाओ शादी से पहले आना पड़ेगा उधर आयुष के मेरी है देखो खा गए यार मेरी दीदी देखो हम दोनों ने मंगवाई थी ना पानी पूरी ये देखो दीदी अरे यार हीरो बजे आप टी शर्ट लाया राजा दादो क्या आप टी शर्ट लाकर नहीं आया शुक्र एकदमै फलो फुलोस बिजनेस ठुलो 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 सानो उसबाट गर्दा सानो के अरे यतालाई के अरे एउटा सानो स्टोरबाट गर्दा गर्दा तिम्रो चाहिँ ठुलो फ्रान्चाइज अफकोर्स युएस भरिमा फ्रान्चाइज सबै आउँछ ओ माय गॉड नाइस फ्रान्चाइज चाहिँ मैले लिएर पाउँ भन्छु यस यस्तै होस् ए अफकोर्स है भर्सेस बिस्तारै हुन्छ नि त ठुक्ला ठुक पर्ला के हो बिस्तारै हेप्पी बर्थडे ए भाई चाहिँ न्यू भेन्चर के हो यस्तो मैमती यार ल त्यो खास एकैचोटि त्यो पत्र बोलिदिइहाल्दो रहेछ बन्दी नहीं हो रही यार म्यूजिक एंड ऑफ थैंक यू सो मच लव मी फॉर यू डू यू हाइड इट अप डू यू डू लव यू बाहर बॉडी क्यों बात नहीं कर यहां हमरा सुन दिया ना बिहा गरेन भने छुटे दुई जनालाई यार फ्रेश रहेछ यार मिठो भयो Thank you.
ओके गाइस तब हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। सब इधर ही आ रहे हैं। क्या गाना बज रहा है? सब पैसा रे केटा पर तमड़ा कत दे। अरे 1000 किलो भन्दा बढी छ रे, मोटी गरे 1000 किलो भन्दा बढी छ रे। 6000 किलो 9 persons very good 10 बार के जिमा रख्ने हो यो भन्ने सलाह मस्तिको यही लाग रहा छ। ओके दिदी मैं तो आपको बाहर तक छोड्ने लाउँगी। ठीक है गर ल, तिमीलाई राम्रो ल ल ल ठीक है गर है। आशीर्वाद ल। बुढी पाल्न सक्दैन फेरि। अरे यार यो त कसरी नछुट्नु त हैन, आइसक्रीम त खानै पर्यो। सो यप आइल एन्ड माय व्लॉग हियर बिकज मैं करते करते जहाँ आयुष पे तो मुझे तक गुस्सा आया ना, आया भी नहीं बाहर निकल कर, मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगी। देखो ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल सो मच। अब क्यों निकल कर आए, अभी भी तो रॉन्ग साइड पर है पागल, अभी इस्टेट डाला ना। सो यप आई लव यू ऑल सो मच, आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइस, बाय बाय बाय। देखा मेरा कितना वो है, फौरन निकल कर आया। ओके la bye bye, bye guys, la bye bye, la bye bye, la bye bye, good night, bye bye. Okay guys, finish. So guys, that was the interesting vlog. Aje abo bawal bawal ta aunai cha haina, because haina abo office ni pura total bandai cha. Main kura ma chai kureko cha AYJ brand ko article kurira chu haina, ekdam kahile auncha chatta laera lagaera ek chodi review ta garnu paryo ni ta, definitely ekdam chatta rakhnu parcha hai ta. So that was the reaction video of the vlog guys, hope you guys like the video. If you guys like the video, don't forget to like and subscribe to the channel, and of course see you in the next reaction video. Ta bye guys.